अभी हमारे घर में हम बहुत जने बीमार हो गए, बच्चों में ईवा मोरवी बीमार है, याची बाबी मेरा बीमार है, मैं चिकू, स्टार्टिंग चिकू से हुई है, चिकू बीमार हुआ, इसके बाद सब बीमार हो रहे हैं और कोरोना भी वापस आ रहा है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मेरी तबीयत 4-5 दिन के बाद आज सही हो गई है। बुखार बड़े ही ज़ोरों से आ गया था मुझे, कभी बुखार आता नहीं है बहुत टाइम, यानी ज़िंदगी में को पहली बार इतना ज़बरदस्त तेज़ चढ़ के बुखार आया था। और मम्मी ने आजकल नया काढ़ा चालू किया है, काढ़ा क्या जूस हूँ मम्मी, एलोवेरा और पारिजात के पत्ते और बस बेस चीज़ और पाड़ी, देख लो ऐसा दिखता है और बहुत गंदा लगता है टेस्ट में, पर तबीयत सही करनी पड़ती हो सब करना पड़ता है, पीना पड़ता है क्या, वो तो है। ये हम मेरा ब्रेकफास्ट, हलवा बनाया मम्मी ने सुबह, और ये पापड़, पापड़ के साथ हलवा अच्छा होता है, खट्टा तीखा और मीठा। और चिकू खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं बताओ, आपका नहीं दिखाओगे, चिकू जैसे ही ठीक हुए वैसे मैं बीमार हो गई, सेवा करने का मुझे प्रसाद मिल गया कि मुझे भी बुखार आ गया। तो हमारे ब्रेकफास्ट जो अभी तक कंटिन्यू ही हैं, अब आ जाती है फ्रूट्स की बारी। तो यहाँ पर कीवी और ड्रैगन फ्रूट को काट दिए गए, जो कि मैं अभी बीमार हुई हूँ इसलिए ये सारे फ्रूट्स अच्छे अच्छे लाए गए, पर फ़ायदा ये उठा रहे। खट्टा अच्छा। गाइस थोड़ी सी तबीयत सही हुई है तो मैं आज थोड़ा चिकू का जो ये खजाना है इधर पड़ा हुआ, इधर ये जो पूरा टेबल बिखरा हुआ था उसको सही कर, जो साइड वाला ड्रॉवर निकाल दिया है, अब इस ड्रॉवर को साफ कर देती हूँ, इतना कचरा भर के रखते हैं बहुत ज़्यादा। गाइस सारा जो भी सामान निकाला था वो अवेयर दिया है, अब मैं नहा लेती हूँ, 12 बज गई है, बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है उसकी वजह से, चक्कर आ रहे हैं और थोड़ा बुखार जैसा भी लगने लग गया है। गाइस मैं नहा लिया है पर ठंड लग रही है, तो थोड़ी देर 5 मिनट धूप में जाके बैठती हूँ बाहर। गाइस ओ व्यापार गाइस, क्या कर रहे हो आप, 31st के लिए कुछ देख रहे हैं, लो पकड़ो, कैंपिंग करने का सोच रहे थे सच में। गाइस मैं हिमेरा को भी लेके आती हूँ, उसको भी बुखार आ रहा है। हिमी को बुखार सही हुई, सही है, थोड़ी जल्दी सही है। हाँ हिमी को बुखार सही हुई, तो अब जाते हैं घर पे, दादी बुला दी, हाँ जाते हैं। आप आ रहे हो, आ रहे हो घर पे खाना बनाते, तबीयत खराब होने की वजह से मैं सो गई थी थोड़ी देर और फिर अभी खाना खा रही हूँ। खाने में हमारे घर पे बनाए हैं दाल चावल रोटी, तो खाना एंड होने आ गया है, मम्मी और हम दोनों बैठ के यहाँ पर खाना खा रहे हैं, चिकू और पापा ने तो खा लिया है। अब जाती हूँ शॉप पे क्योंकि शॉप से कस्टमर्स के भी कॉल आ रहे हैं, देखते हैं अब जो काम होगा वो करेंगे। हाँ दवाई अंदर ले लिए, तो अभी जस्ट खाना खाया था, जस्ट बाद में दवाई नहीं लिए, पर्स में ले लिए दवाई। हाँ यार तो तबीयत सही नहीं है, शॉप पे आने के बाद अंदर क्लाइंट थे तो फिर मैं अंदर तो शूट नहीं कर पाई और मुझे थोड़ी तबीयत ख़राब होने स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, हमारी लाइट आ चुकी है, तो ये देखो हमारी लाइट, निपेश चंद्र जी पंचाल का नाम है, निपेश चंद्र चंद्र ये रहा नीचे रखा हुआ है। मेरे मेकअप की कोई पैलेट वैलेट है जी, तोड़ी क्या, नहीं तोड़ी है, तुम्हारे ये ऐसी ऐसी लाइटें 4-5 आ जाएगी एक पैलेट में, तो रिमोट का रख दिया मैंने, अबे ढूंढ के देती हूं मैं तुमको, नहीं नहीं मेरे को पता है, मैं कब देख भी गया कहां, नहीं बताऊंगी ढूंढो, ओह गाइस जोरदार दिख रहा है गाइस,
लोहा पकड़ो, मैं वहाँ जाके खड़ी रहती हूँ। इसकी एक शॉर्ट्स वीडियो भी आ रही है तो आप देखना ज़रूर मेरे नए वाले चैनल पर रोमा 2.0। और मेरा नया वाला जो चैनल है उसको जाकर जल्दी से सब्सक्राइब करो क्योंकि इन ये सारे जो शॉर्ट्स की वीडियो वो वहीं पे आने वाली है। मस्त लग रहा है एकदम। ये हमने मजाक मजाक में मंगवाई थी पर बहुत अच्छी आई है। इसका कलर चेंज होता है क्या? नहीं, कलर चेंज नहीं होता है। अच्छा, नीचे तो अपने वो है ना प्लाई, अंदर इसके खजाना है पता है। गाइस बैकग्राउंड बहुत अच्छा लग रहा है ना, मेकअप के ट्यूटोरियल आई होप जल्दी जल्दी बने। ये इधर सब सेटअप करें। हाँ, चिकू को 2 दिन बुखार आया, चिकू के 3 किलो वजन कम हो गया। मेरे को 5 दिन बुखार आया, अभी 5 दिन का है, 3-4 दिन बुखार आया, मेरा 2 किलो वजन कम हो गया। तो डाइट नहीं करनी चाहिए, इसका मतलब बुखार ही आ जाना चाहिए, पर नहीं, बुखार बहुत गलत चीज़ है भाई। आँखों के नीचे घेरे देख रहे हो आप, फेस की क्या हालत हो गई है, बुखार की वजह से हुआ है ये सब कुछ। ये भी मैडम बीमार हो गए। आप सही हो? बिल्कुल सही। हाँ, ऐसे मत बोलो। जो है उनको पूछो। गाइज मैं तो कंबल ओढ़ के सो गई थी पर खांसी जुकाम थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है और चिकू को मैंने बुला दिया कि मुझे लेने आ जाओ क्योंकि मुझे ठंड लगनी चालू हो गई है, बुखार ऐसा हो गया है मुझे। क्या उठा कर नहीं रहा बिल्कुल, क्या कर रहा है? अभी मैं आई हूँ ब्लड देके क्योंकि मेरा जो टाइफाइड का रिपोर्ट था वो करवाना बाकी था और मुझे वीकनेस और बहुत ज़्यादा मुंह में टेस्ट चेंज हो गया है, पैर दर्द हो रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही है। तो कोई प्रॉब्लम कुछ और हो तो ट्रीटमेंट लागू होगा ही नहीं, करके मैं टाइफाइड का भी रिपोर्ट करवा के आ गई हूँ। अब 15-20 मिनट के बाद रिपोर्ट आती है, देखो अब क्या होता है। और बहुत ज़्यादा खांसी आने की वजह से चक्कर आ रहे हैं। अभी जस्ट रिपोर्ट आई है, चिकू बोल रहे हैं कि रिपोर्ट में डायग्नोज हुआ है कि मुझे टाइफाइड है, तो अभी हम वापस जा रहे हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए। 3rd टाइम मेरा ट्रीटमेंट चेंज होने वाला है अभी, पर फाइनली अब पता चल गया है कि मुझे टाइफाइड है। लेट्स गो। मुझे टाइफाइड का नाम लेते में डर लगा। सो गाइज अभी हम हॉस्पिटल जाके आ गए हैं, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट चेंज कर दिया है। मुझे इंजेक्शन्स लिख के दे रहे थे पर मैंने मना बोला क्योंकि मेरी वेंस है वो मिलती नहीं है, तो फिर चिकू ने भी बोला दवाइयों से ही क्योर हो जाए तो अच्छा है। तो अभी 5 दिन का ट्रीटमेंट दिया है वो लूँगी मैं, और अब जब मेरी तबीयत सही होगी तभी व्लॉग आएगा। और यहीं पर भी मैं व्लॉग का एंड कर देती हूँ। आप सब जने मेरे लिए प्रे करना मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँ ताकि आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाऊँ। बाय, मिलते हैं अब नेक्स्ट अच्छे व्लॉग में और ठीक होके। अभी हमारे घर में हम बहुत जने बीमार हो गए, बच्चों में ईवा मोर भी बीमार है, याची भाभी, हिमायरा बीमार है, मैं, चिकू, स्टार्टिंग चिकू से हुई है, चिकू बीमार हुआ इसके बाद सब बीमार हो रहे हैं और कोरोना भी वापस आ रहा है।